अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिले एहतराम मोहतरम जनाब किबला सैयद मोहम्मद रजवान शाह गिलानी सरकार, आप गुजर खां बानी यूनिफिकेशन आल पाकिस्तान तंजीम, पूरे पाकिस्तान के हुक्मा साहबान छोटे बड़े तमाम हुक्मा को एक प्लेटफार्म पर जमा करने और उन्हें दुनिया भर में रोशनास करवाने के लिए इस तंजीम की बुनियाद रखी और इसके अगराज व मकासद से मुतासर होकर दूर नज़दीक से हुक्मा साहबान ने लबैक कहते हुए मिंबर बनने के लिए हाजिर हो गए। और जब आप तमाम मिंबरान ने इनकी अनथक मेहनत, हुक्मा की बेलौस खिदमत, तमाम छोटे बड़े हुक्मा से यकसा तौर पर मोहब्बत प्यार देखा तो सब मिंबरान ने मिलकर मुतफिका तौर पर सैयद रजवान शाह गिलानी साहब को तंजीम का सरबराह मुकर्रर करते हुए इनको ताहियात चेयरमैन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन तंजीम आल पाकिस्तान हुक्मा का ओहदा पेश किया, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बसादे इसरार मिम्रान और बुजुर्गान हुक्मा के इसरार पर कबूल किया। फिर भी इनका ये कहना था कि यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन तंजीम में हम सब भाई भाई हैं और कोई ओहदा छोटा बड़ा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, 9 अक्टूबर बरोज़ पीर दोपहर 1 बजे रजवान शाह गिलानी के हुक्म पर भी अहदेदारान थे, इनकी सलीमी साहब से मुलाकात को यकीनी बनाया गया। बिलखसूस ज़िला लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला और गर्दोनिवा के अहदेदारान यूनिफिकेशन के वफद में शामिल होकर सदर तिब कौंसल से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के आला क़यादत ने हकीम मोहम्मद अमन सलीमी सदर तिब्बी कौंसल को उम्रा की सादत पर मुबारकबाद दी और फूलों के हार और गिफ्ट और ताज पोशी की। यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन की आला क़यादत जिसमें हकीम अलहाज अब्दुल जब्बार नासिर जनरल सेक्रेटरी यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पंजाब, हकीम तारिक जवेद अलमरूफ पताल जंतर वाले वाइस चेयरमैन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन कुश्ता साजी विंग पाकिस्तान, हकीम सैयद जहद हफीज शाह सदर यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पंजाब, हकीम बाबा नईम हैदर वाइस चेयरमैन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान कुश्ता साजी विंग पाकिस्तान, हकीम गुलाम मसूद साबरी मरकजी सेक्रेटरी नशर इशात, हकीम अलाउद्दीन साबरी चेयरमैन यूनिफिकेशन लाहौर डिवीज़न, डॉक्टर मोहम्मद इरफान कमर वाइस चेयरमैन यूनिफिकेशन लाहौर डिवीज़न, हकीम सैयद मुजाद अब्बास इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूनिफिकेशन ज़िला लाहौर, हकीम मोहम्मद शफीक अमन सदर यूनिफिकेशन तहसील मुरीद के, हकीम हाजी मोहम्मद जमान हैदर सदर यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन तहसील रायवंड, हकीम सगीर खान वाइस प्रेसिडेंट यूनिफिकेशन ज़िला लाहौर, हकीम मलक मोहम्मद शफीक सन्यासी वाइस प्रेसिडेंट यूनिफिकेशन ज़िला चकवाल, हकीम अलादिता सदर यूनिफिकेशन तहसील चूनिया, हकीम मोहम्मद नवाज वाइस प्रेसिडेंट तहसील गुजरांवाला, हकीम सैयद जहद वसी जैदी वाइस प्रेसिडेंट ज़िला लाहौर, हकीम इजाज़ अहमद कासमी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ज़िला लाहौर, डॉक्टर हकीम मज़र अली अजहर नायब सदर यूनिफिकेशन पंजाब, हकीम गुलाम अब्बास नायब सदर वागा टाउन लाहौर। इन सब हुक्मा ने शिरकत की और सब ने यूनिफिकेशन बानी और सदर डॉक्टर रजवान शाह गिलानी की मसरूफियात की वजह शामिल ना होने पर कमी महसूस की और सलार तेब ने हिकमत और हुक्मा के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली और आखिर पर सलार तेब को सलार की असल निशानी तलवार का तोहफा पेश किया और फोटो सेशन हुआ और दुआया कलाम के साथ सलार तेब ने यूनिफिकेशन के वफद को रवाना किया। आधा घंटा टाइम यह था तो सलार तेब ने सबको 3.5 घंटे टाइम दिया। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हिकमत और हुक्मा और इंसानियत की भलाई के लिए ये सलार ऐसे ही चलता रहे और हिकमत और हुक्मा को तरक्की मिलती रहे।
जो यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन ने शुरू किया है ये चलता रहे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे और इंसानी की भलाई के लिए कोशा रहे। हमें फख्र है यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पर, जिन्होंने चुन चुन कर ऐसे गोहरे नायाब जमा किए हैं और एक तस्बीह की लड़ी की तरह परोए हैं। अल्लाह ताला इस तस्बीह की जो लड़ी है इसको कायम और दायम रखे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह ये मकासद हमारा यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन का जो ये मकसद है ये पूरा हो और हम इस प्लेटफार्म से जड़ी बूटियाँ, कुश्ता जात, कीमियाँ और जो नाम बनने वाले नुस्खा जात हैं वो हम पेश करते रहें और इंसानियत का भला होता रहे और आने वाली नस्ल इससे सीख सके। हमारा एक ही मकसद है कि जो सीखा है वो देकर जाना है इंसानियत के लिए और आने वाली नस्ल के लिए, और जो काम मोहम्मद आमन सलीमी साहब ने किए हैं वो रहती दुनिया तक हिकमत में याद रखे जाएंगे। जो काम नामुमकिन थे इन्होंने बड़ी अरकरेजी से हल कराए हैं, और कहीं भी सलीमी साहब को एक अदना सा हकीम भी आवाज़ लगाता है तो जनाब भागे चले जाते हैं। और ये काफ़िला रवान दवा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा और आने वाली नस्ल ये हमारा मकसद याद करेगी। और जो हिकमत और हुक्मा का काम आसान हुआ है, अल्लाह ताला जनाब तिब्बी कौंसल फ़ारतिब जनाब मोहम्मद अमन सलीमी साहब को इसका अजर अजीम अता फरमाए, और जितना भी इसका काफ़िला इनके साथ है उसको अजर अजीम अता फरमाए, और इस कार खैर में जितने दोस्तों ने भी हिस्सा लिया और हिकमत को फ़रोग देने के लिए काम किया, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता फरमाए और जो नेक काम किए हैं उनके लिए सदका जारिया बनाए। तो दोस्तों आओ यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफार्म से हमारा साथ दें और हम ये मकसद आगे लेकर चलते रहें चलते रहें। एक एक आदमी मिलता जाए और बहुत बड़ा कारवां बनता जाए, इंशाल्लाह एक दिन चमकते सितारे की तरह ये हिकमत दोबारा अपने अरूज पर आएगी। ऐसे दोस्त जब मिलते हैं तो मकसद कामयाब होता है। एक आदमी मकसद लेकर चलता है तो उसके पीछे काफ़िला बन जाता है। और जनाब रजवान शाह गिलानी साहब ने ये जो नारा लगाया है कि हिकमत को फ़रोग देना है, तो सब दोस्त इसमें शामिल हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा फाल कारवां बन गया। कहते हैं ना कि याद करता है ज़माना उन इंसानों को जो रोक लेते हैं बढ़ते हुए तूफ़ानों को। तो दोस्तों चलते हैं हकीम जैद वसी जैदी साहब से कलाम सुनते हैं। हकीम जाहिद वसी जैदी साहब, तरे अहमद पे अहमद हादरी जो दे के आए हैं, यकीनन इल्म हिकमत के वो हक ले के आए। तरे अहमद पे अहमद हादरी जो दे के आए हैं, यकीनन इल्म हिकमत के वो गोहर ले के आए हैं। कहीं पे जा छुपे थे बादलों में और घटाओं में, कहीं पे जा छुपे थे बादलों में और घटाओं में, कि सलीमी ने वो तारे तिब को दुनिया के दिखाए हैं। सलीमी ने वो तारे तिब के दुनिया को दिखाए हैं। कहीं पे जा छुपे थे घटाओं में, कहीं पे जा छुपे थे बादलों में और घटाओं में, सलीमी ने वो तारे तिब के
दुनिया को दिखाई दे। दरे अहमद पे अहमद हाजरी जो दे के आए हैं, यकीनन इल्म हिकमत के वो गोहर लेके आए हैं। भुलाए थे तबीबों ने जो तर्ज़े हिकमत असलाफ, बड़े उम्दा तरीके से तबीबों को बताए हैं, बड़े उम्दा तरीके से तबीबों को बताए हैं। मुबारक बाद दो जाहिद वसी अहमद को उम्र की, मुबारक बाद दो जाहिद वसी अहमद को उम्र की, ये कहना उनसे हिकमत का तबर्रुक ले गया है। मुबारक बाद दो जाहिद वसी अहमद को उम्र की, ये कहना उनसे हिकमत का तबर्रुक लेने आए हैं। क्योंकि पहले शेर में जो मैंने मतलब किया है उसमें है कि दरे अहमद पे अहमद हाजरी जो दे के आए हैं, यकीनन इल्म हिकमत के वो बहुत दे के आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों सलारे तेब की ताजपोशी करने, उम्रा की सादत पर मुबारकबाद देने। यूनिफिकेशन टीबी फाउंडेशन सूबा पंजाब के सदर सैयद जादव जीसा साहब और नायब सदर हकीम डॉक्टर मजहर अली अदर साहब, तारिक साहब चेयरमैन कुश्ता साजी बाबा नईम साहब, वाइस चेयरमैन कुश्ता साजी और जिन्हों के जान दी हुई सारे असलीमी साहब की ताजपोशी करनी है साढ़े सारे ये यूनिफिकेशन वालों साहब जो हो रहा यूनिफिकेशन वालों हो रहा सारे इंशाल्लाह।